नमस्कार, मैं हूं लोकेश भारद्वाज और आज मैं आया हूं मेरठ के घंटाघर स्थित टाउन हॉल की तिलक लाइब्रेरी में। जी हाँ दोस्तों, यह कोई ऐसी वैसी लाइब्रेरी नहीं है। यहाँ पर आज़ादी से पहले एक महान संत स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर आकर पढ़ा करते थे। जी हाँ दोस्तों, शिकागो जाने से पहले स्वामी विवेकानंद जी ने इसी लाइब्रेरी में पढ़ाई की थी। जी हाँ दोस्तों, एक बार जब वो विश्व भ्रमण पर निकले थे तो वह ऋषिकेश और हरिद्वार से आते हुए उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिस कारण से उन्होंने मेरठ में शरण ली। जी हाँ दोस्तों, मेरठ में आकर के वह डेली लगातार इस ही लाइब्रेरी में पढ़ा करते थे। जी हाँ दोस्तों, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह लाइब्रेरी कितनी पवित्र है। जी हाँ दोस्तों, यह केवल उन महात्मा के पढ़ने की जगह नहीं, इसके अलावा भी यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी ने भी आकर के पढ़ाई की है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्थित घंटाघर पर उन्होंने आज़ादी से पहले काफ़ी भाषण दिए, जिसके कारण आज हम स्वतंत्र भारत में बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह भूमि इतनी पवित्र है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे पूर्वजों और पुराने लोगों ने किस तरीके से यहाँ पर स्टडी की। जी हाँ दोस्तों, यह भूमि काफ़ी पवित्र है, यह घंटाघर के जलीकोठी एरिया में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, यह लाइब्रेरी काफ़ी प्राचीन है और इसमें काफ़ी जगह है। आज इसके चारों तरफ घना शहर बस गया है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा भी यहाँ पर एक महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जी हाँ यहीं पर ही राष्ट्रपति क्या नाम है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी आया करते थे, और यहीं से ही जितने भी आपके बड़े नेता निकले हैं सब यहीं पर आकर के भाषण दिया करते थे और यहीं पर ठहरा करते थे। जी हाँ दोस्तों, इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, इसके अलावा भी यह स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि रही है। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा, इसको लाइक शेयर करना न भूलें। नमस्कार। Oh,